It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम थंबनेल जो है वो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने बताया है कि हम मोबाइल पे थंबनेल कैसे बना सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चले आए मैं अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारे थंबनेल बनाए हैं जो मैंने चैनल पे नजर आते हैं। आप ये देख सकते हैं, एक ये है कि हाउ टू मेक वेबसाइट है, हाउ टू डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है, और रजिस्टर्स के बारे में है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे थंबनेल कैसे आप बना सकते हैं पावर पॉइंट यूज करके, और वो पीसी पे। तो मैं पहले स्लाइड पर लेता हूँ, स्लाइड आप इसमें से कोई भी स्लाइड चूज कर सकते हैं। मैं चूज कर रहा हूँ ये वाली। अब मेरे जैसे कि किसी बंदे की वीडियो है जूम के बारे में, जूम में कोई समझा रहे कि जूम कैसे चला सकते हैं, तो हम यहाँ वीडियो का नाम लिखते हैं जैसे हाउ टू यूज जूम एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ देख दिया है एप्लीकेशन, सॉरी ठीक है एप्लीकेशन सही। अब मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन हट जाए, आप ये ऐसे भी रहने दे सकते हैं मगर ये नजर आएगा। तो आप यहाँ से हटा के इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कट पे जाके हटा देंगे, ये हट जाएगा। फिर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये छोटा करा, ये इतना छोटा करा, और ये यहाँ पे लगा दिया। ये देखें आप रेड लाइन शो हो रही है आपको, हमने रेड लाइन शो करके इसको यू बीच में रखा है, हो गया बीच। अब भाई मुझे इसमें पिक्चर्स ऐड करनी, जैसे मैंने तीनों में करा था। तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, पिक्चर्स का फोल्डर खुल जाएगा ऐसे। हम इस पे जाएंगे और डाउनलोड से मैंने सेव की है, तो डाउनलोड पे जाके मैं ये दोनों इंसर्ट कर दूंगा। ये आपकी आ गई पिक्चर, ये बना जा रही है ये वाली, तो वो एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए ना। अब मैं एक एक करके सिलेक्ट करूँगा, ये आ गई आपकी दूसरी, एक और भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर बनाता हूँ ये आ गई, ये आ गई। अब भाई मुझे ये वाइट बैकग्राउंड बनाना है, तो यहाँ इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड फॉर्मेट पे जाके, सही है फॉर्मेट पे रिमूव बैकग्राउंड कर दूंगा, ये रिमूव बैकग्राउंड ऐसे बनेगा ऐसे। अब ये देख सकते हैं, अब मैंने यहाँ पे इसको साइज बड़ा कर दिया और इतना बड़ा साइज, आप ये देख रहे हैं कैसा है। अब भाई मैंने इसको हटाया, आप ये देखें नहीं ऐसा नहीं है, हटा दिया। तो ये हमने अब चाहा कि भाई इसमें इफेक्ट दूँ, तो मैंने यहाँ पिक्चर इफेक्ट पे गया, यहाँ पर प्रेजेंट पे क्लिक किया, प्रेजेंट पे गया तो ये देखें ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अच्छी नहीं है, ऐसे अच्छी है, ऐसे 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 नहीं नहीं ऐसे ऐसे, मुझे ये अच्छी लग रही ज़्यादा। ये कर लिया, इसको भी इफेक्ट दे देते हैं, ये यहाँ का यहाँ का, ये नहीं नहीं, ये यहाँ पे गए, हाँ ये सही, ये अच्छा लग रहा है ये। अब भाई अब बारी आती है स्क्रीनशॉट की, तो अगर विंडोज 7 है तो विंडोज 7 के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगा स्नैपिंग टूल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्नैपिंग टूल क्या होता है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये आपकी स्क्रीन ऐसे खुल जाएगी। आपको क्या बस ये कर, आप ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ स्नैपिंग टूल, यहाँ ये स्नैपिंग टूल है, इस पर आप जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऐसे हो जाएगी। मैं आपको ये स्नैपिंग टूल पे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन हो जाएगी। अब यहाँ से प्लस का निशान आएगा, प्लस के निशान पे क्लिक करके आप वो कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे,
पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कैसे। तो आप ये देख सकते हैं आपके पास स्क्रीनशॉट आ चुका है, आप जो चाहें इस पर यू भी कलर मार सकते हैं, यू भी कर सकते हैं। तो वो नहीं करना है, मैंने यहाँ गया सेवेज किया, सेवेज जैसे आपको जहाँ भी सेव करना सेव करना, और टाइटल लिखते हैं हाउ कैन वी हाउ यू हाउ टू यूज कुछ भी लिख सकते हैं करके करके बस ये कर देना है, आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पे कहाँ भी सेव करके वहाँ जाके देख लीजिएगा, आपकी ऐसी प्रिफर हो जाएगी। और आप जाके यूट्यूब पे थंबनेल लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल।